तुर्की से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 102 साल बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी बुजुर्ग जिंदा हो गई। उत्तराखंड के रुड़की में नारसन क्षेत्र में एक घर में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि अचानक सब में हरकत होने लगी। जब कुछ लोगों ने बुजुर्ग महिला के सब को जोर से हिलाया तो उन्होंने एकदम से आंखें खोल दी। कुछ मिनट पहले जिस घर में रोने की आवाजें आ रही थी वहाँ एकदम से खुशी छा गई। बुजुर्ग महिला भी अब ठीक है और पहले की तरह खा पी रही है। रुड़की के नारसन के एक कस्बे में 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद फिर जिंदा हो गई और अब बिल्कुल स्वस्थ है। नारसन खुद निवासी विनोद की माता ज्ञान देवी कुछ समय से बीमार चल रही थी। सुबह के समय वह अचानक से बेहोश हो गई। उस समय परिजनों ने डॉक्टर को बुलाकर महिला की जांच करवाई तो डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत पर परिवार में मातम पसर गया। घर के लोगों ने मोहल्ले में और अपने रिश्तेदार को उनकी मौत की खबर कर दी। महिला के अंतिम संस्कार की घर में तैयारी हो रही थी तभी शव में अचानक हरकत हुई। इस पर आसपास बैठे लोग एकदम से सहम गए। घर के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने महिला को जोर से हिलाया, जिस पर महिला ने आंखें खोल दी। उनको बैठाया तो लोगों ने उनको सहारा देकर उनको बैठाया। कुछ देर पहले मृत महिला के अर्थी पर जीवित उठने पर लोग आश्चर्य में है। परिवार के जो लोग बुजुर्ग महिला की मौत का मातम मना रहे थे उनके चेहरे पे खुशी छा गई। विनोद के अनुसार उनकी माता और अपने परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला है। उनके जीवित होने पर गांव में खुशी का माहौल है और बुजुर्ग महिला भी अब स्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोशी आलोक न्यूज़।